दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक समय था जब दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका और रूस हमारे भारत को एक अत्याधुनिक तकनीक देने से साफ मना कर चुके थे। यही वो देश हैं जो अपनी सैन्य शक्ति और तकनीकी प्रगति के लिए दुनिया भर में जाने जाते हैं। लेकिन जब भारत ने उनसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम ईमेल्स की तकनीक मांगी तो दोनों ही महाशक्तियों ने हाथ खींच लिए। अब जरा सोचिए, वो देश जिन्होंने हमें नजरअंदाज किया था आज हमारी तरफ ताक रहे हैं, क्योंकि भारत ने अपनी मेहनत और आत्मनिर्भरता से वही तकनीक खुद विकसित कर ली है। जी हाँ, वही तकनीक जिससे एयरक्राफ्ट कैरियर से फाइटर जेट्स को बिजली और मैग्नेटिज्म की मदद से सुपरसोनिक स्पीड में लॉन्च किया जा सकता है। पहले जो काम स्टीम कैटापुल्ट से होता था, उसे अब भारत की खुद की विकसित की गई ईएमएलएस से किया जा रहा है, और वो भी कम जगह, कम मेंटेनेंस और बेहतर स्पीड के साथ। आप सोच रहे होंगे कि आखिर अमेरिका और रूस ने भारत को यह तकनीक क्यों नहीं दी। कारण साफ है, जो देश खुद को सबसे ताकतवर मानते थे, वो नहीं चाहते थे कि भारत भी उनके बराबर खड़ा हो जाए। लेकिन दोस्तों, इतिहास गवाह है कि भारत को रोक पाना मुश्किल है। हमारे वैज्ञानिकों ने दिन रात मेहनत कर भारत को इस मुकाम पर पहुंचाया है कि आज वही देश जिन्होंने कभी मना किया था, अब हमारी क्षमता को न केवल सराह रहे हैं बल्कि उससे सीख भी रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को भारत के उन महान वैज्ञानिकों को समर्पित करते हैं जिन्होंने भारत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। अगर आप भी गर्व महसूस कर रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। आइए जानते हैं ईएमएलएस तकनीक की और खासियतें जो भारत को सुपर पावर बनाने की दिशा में एक और बड़ा कदम है। दोस्तों सोचिए, अगर भारत के पास ईएमएलएस तकनीक न होती तो हमारी नेवी के सामने कितनी बड़ी चुनौती होती। अमेरिका और रूस दोनों ही इस तकनीक को देने से इसीलिए डरते थे क्योंकि यह किसी भी देश की नेवी की ताकत को कई गुना बढ़ा देती है। अमेरिका को यह डर था कि अगर भारत ने यह तकनीक हासिल कर ली तो हमारी नौसेना उनसे भी मजबूत हो जाएगी। वहीं रूस भी इसी कारण से हिचकिचा रहा था क्योंकि उसे डर था कि भारत इस तकनीक के साथ उसकी नौसेना को पीछे छोड़ देगा और उसके रक्षा उपकरणों के बाजार पर भी असर पड़ेगा। अब एक परिदृश्य की कल्पना करें, इंडियन ओशन में चीन ने अपनी पनडुब्बियां तैनात कर दी हैं और उनका मकसद भारत की समुद्री सीमाओं में घुसपैठ करना है। ऐसे में भारत के पास ईएमएलएस से लैस एयरक्राफ्ट कैरियर्स होंगे। युद्ध के दौरान भारतीय एयरक्राफ्ट कैरियर्स से एक ही समय में कई फाइटर जेट्स को बिजली की गति से लॉन्च किया जा सकता है। ये फाइटर जेट्स न केवल दुश्मन की पनडुब्बियों को ट्रैक कर सकते हैं बल्कि उन्हें पूरी तरह तबाह भी कर सकते हैं। ईमाल्स की सबसे बड़ी खासियत सिर्फ यही नहीं रुकती, यह तकनीक मानव रहित हवाई प्रणालियों यानी ड्रोन्स के लिए भी इस्तेमाल की जा सकती है। अब सोचिए, युद्ध के दौरान ये ड्रोन दुश्मन की जासूसी करने और सटीक हमले करने में कितना बड़ा फायदा देंगे। एक तरह से यह तकनीक समुद्र में हमारी निगरानी और मारक क्षमता को कई गुना बढ़ा देती है। लेकिन इस तकनीक को विकसित करना किसी साधारण चुनौती से कम नहीं था। डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने दिन रात मेहनत कर इस प्रणाली को विकसित किया। इस प्रक्रिया में उन्हें जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, वो भारतीय विज्ञान के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। यह सिर्फ एक तकनीक नहीं है बल्कि यह हमारे वैज्ञानिकों के अटूट समर्पण, दृढ़ इच्छा शक्ति और अनवरत परिश्रम का प्रतीक है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि जब आप रात को चैन से सो रहे थे तब हमारे वैज्ञानिक लैब्स में बिना नींद के दिन रात काम कर रहे थे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम ईएमएलएस जैसी उन्नत तकनीक को विकसित करने के लिए उन्होंने न जाने कितनी रातें जाग कर बिताई। महीनों तक वे अपने परिवार से दूर रहे सिर्फ इस एक सपने को साकार करने के लिए, भारत को एक सैन्य महाशक्ति बनाने का सपना। ये सिर्फ एक तकनीक नहीं थी बल्कि देश की सुरक्षा और शक्ति से जुड़ा हुआ मिशन था। आपको पता है, हर बार जब कोई प्रयोग असफल होता था तब भी उन्होंने हार नहीं मानी। असफलता उनके लिए एक सीढ़ी थी जिससे वे और ऊंचे उठते गए। जब सीमित संसाधनों ने भी उन्हें रोका तब भी उन्होंने हार मानने की बजाय चुनौतियों को गले लगाया और उन पर विजय पाई। ये वही वैज्ञानिक हैं जिन्होंने 400 किलो वजनी वस्तु को बिजली की गति से सफलतापूर्वक लॉन्च करके दुनिया को दिखा दिया कि भारत अब किसी से कम नहीं है। यह एक चमत्कार जैसा था। लेकिन यह चमत्कार हमारी वैज्ञानिकों की दिन रात की मेहनत, दृढ़ संकल्प
और अतुलनीय साहस का परिणाम था। सोचिए, जो तकनीक कभी सिर्फ दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य शक्तियों के पास थी, उसे अब भारत ने अपने दम पर विकसित कर लिया है। यह न केवल एक तकनीकी उपलब्धि है, बल्कि भारत के आत्मनिर्भरता के शिखर की ओर बढ़ने की कहानी है। अब जब यह तकनीक पूरी तरह से तैयार हो चुकी है, इसे भारत के नौसैनिक एयरक्राफ्ट कैरियर्स पर तैनात करने की योजना बनाई जा रही है। इससे हमारी समुद्री शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी और भारत अपनी नेवी को और भी मजबूत बना सकेगा। हमारे वैज्ञानिकों ने इस प्रक्रिया में न केवल अपनी तकनीकी कुशलता दिखाई, बल्कि अपनी देशभक्ति और समर्पण का भी अद्वितीय उदाहरण पेश किया। उनका संघर्ष यह साबित करता है कि जब बात देश की सुरक्षा और विकास की आती है, तो वे किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। दोस्तों, ये सिर्फ एक तकनीक नहीं है, ये भारत को विश्व मंच पर एक नई ऊंचाई देने वाला कदम है, और इसका श्रेय उन महान वैज्ञानिकों को जाता है जिन्होंने इसे संभव बनाया। दोस्तों, हमारे वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत और समर्पण का नतीजा है YMLS जैसी उन्नत तकनीक। अब मैं आपको इस तकनीक की कुछ खासियतों के बारे में संक्षेप में बताना चाहता हूँ, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। तेज लॉन्च क्षमता। युद्ध के दौरान कई फाइटर जेट्स को तेजी से लॉन्च करना जरूरी होता है, और MILS इस काम को बेहद कुशलता से करता है। यह सिस्टम बिजली की गति से जेट्स को हवा में भेजने की क्षमता रखता है। कम ऊर्जा खपत। पुराने स्टीम कैटापुल्ट सिस्टम की तुलना में EMALS बहुत कम ऊर्जा की खपत करता है, जिससे ऑपरेशन तेज और सस्ता हो जाता है। इससे भारतीय नेवी को बड़ी लागत बचत का फायदा मिलेगा। कम मेंटेनेंस, क्योंकि यह तकनीक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बलों पर आधारित है, इसमें ज्यादा मेंटेनेंस की जरूरत नहीं पड़ती। इससे नौसेना की ऑपरेशनल क्षमताएं बढ़ जाती हैं और रखरखाव का खर्च भी कम होता है। फ्यूचर रेडी। EMILS न केवल वर्तमान के फाइटर जेट्स के लिए फायदेमंद है, बल्कि भविष्य में मानव रहित विमान, ड्रोन और भारी एयरक्राफ्ट के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। स्पेस और वजन की बचत। यह तकनीक कम जगह घेरती है, जिससे एयरक्राफ्ट कैरियर्स पर अन्य महत्वपूर्ण कामों के लिए ज्यादा स्पेस मिलता है। आज जब भारत ने इस अत्याधुनिक तकनीक को देश में ही विकसित कर लिया है, यह हमारे वैज्ञानिकों की मेहनत और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। ये तकनीक न केवल भारतीय नेवी को इंडियन ओशन में, बल्कि पूरे एशिया में एक प्रमुख सैन्य शक्ति बनाने में मदद करेगी। क्या आप भी मानते हैं कि इस सफलता के बाद भारत जल्द ही एशिया की सबसे बड़ी सैन्य शक्ति बन सकता है? अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमारे वैज्ञानिकों को सलाम करें। साथ ही इस वीडियो को अपने 5 दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।